नमस्कार वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू मैं हूं प्रशांत धवन नाउ एक ऐसे टाइम में जब इजराइल एक बड़ा ऑपरेशन कर रहा है इनसाइड लेबनान इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप चला है इधर आप देख पाओगे इंडिया ने बैन कर दिया है हिजब उत तहरीर को ये बात अमित शाह ने खुद कही है कि लेबनान बेस्ड लिटरली इस आतंकवादी संगठन का जो हैडक्वार्टर है यह आपको लेबनान की राजधानी बेरूत में मिलेगा जी हाँ ये वही बैरूत है जिसको इसराइल आए दिन बॉम्ब करता रहता है और जहाँ पे हेज़बुल्ला के हेडकोर्टर्स हैं वहाँ पर आपको हेज़ब उद तहरीर के हेडक्वार्टर्स मिलेंगे और इंडिया ने इस ग्रुप को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया है अंडर यू ए ए। और इधर आप देख पाओगे जो रीज़न दिया गया है भारत द्वारा वो ये है कि हिजब उ तहरीर ये इन्वॉल्व है आतंकवादी एक्टिविटीज़ में और जो यूथ है भारत का जो यंग लोग हैं भारत में उनको रेडिकलाइज़ करने की कोशिश कर रहा है ये ग्रुप नाव ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है याद रखिएगा मैंने कल ही वीडियो बनाई थी कि लेबनॉन के जो राजदूत हैं टू इंडिया इन्होंने ये कहा था इंडिया को कि इंडिया को जल्द से जल्द इसराइल से बात करनी होगी नेतन्याहू से बात करिए और इसराइल को रोकिए नहीं तो बड़ी वॉर हो जाएगी मिडल ईस्ट में इंडिया ने उसके बाद हम देख रहे हैं कि सीधा ये नोटिफिकेशन पोस्ट कर दी है और यहाँ पे जो लैंग्वेज है ना दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय की तरफ से आई है यहाँ पे आप देख पाओगे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यू का मेंशन है इसके अंडर बैन किया गया है इस ग्रुप को और मेन बात यहाँ पर यह लिखी है कि ये आतंकवादी संगठन ये कोशिश कर रहा था कि एक इस्लामिक स्टेट कैलिफेट ये बनाया जाए ग्लोबली जिसमें इंडिया भी इनका पार्ट होने वाला था और साथ ही साथ इस आतंकवादी संगठन का टारगेट ये भी था कि जो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं इन्हें जिहाद और आतंकवादी एक्टिविटी से हटा दिया जाए ना यहाँ पे आपका अगर सवाल ये है कि वेट हिजब उत तहरीर ये तो लग रहा है कि हिजबुल्ला का कोई ग्रुप है नहीं यहाँ पे आपको समझना होगा कि हिजब उत तहरीर है क्या हिजबुल्ला बना था नाइन्टीन एटीज़ में मोर स्पेसिफ़िकली अगर मैं बात करूँ तो हिज़बुल्ला बना था नाइनटीन एटी फाइव में हिजब उत तहरीर की अगर मैं बात करूँ तो ये 1953 में बना था इसकी शुरुआत हुई थी ईस्ट यरूशलम में बाद में इसका जो हेड क्वार्टर है ये बना दिया गया लेबनान की राजधानी बेरोत में ये देखिए आप कह लो बहुत ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है और इनका मेन विजन ये है कि दुनिया भर की इस्लामिक कंट्रीज इकट्ठा आ जाए नाइनटीन में काफ़ी बार हिजब उ तहरीर के जो लोग हैं ये काफ़ी बार पाकिस्तान जाया करते थे काफ़ी उसकी रिपोर्ट्स आती थी मगर बाद में पाकिस्तान ने ही हिजब उ तहरीर को बैन कर दिया ये कहकर कि ये लोग बहुत ज्यादा रेडिकलाइजेशन फैला रहे हैं आप सरप्राइज इस बात को लेकर होंगे कि हिजब तहरीर को रशिया बैन कर चुका है चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान इवन टर्की सऊदी अरेबिया इजिप्ट वेरियस कंट्रीज इवन लेबनान में भी आप अगर देखो तो हिजब उद तहरीर को काफी जगह बैन कर रखा है बट इंडिया ने अब तक इस ग्रुप को बैन किया नहीं था बट पिछले कुछ सालों में आपने बात नोट करी होगी पीएम मोदी की जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है ऑफ टेररिज्म इसके अंडर वो कई ग्रुप्स जो आप कह लीजिए दुनिया भर के कई कंट्रीज ने बैन कर रखे हैं। आई मीन आप सोच कर देखो हिजब उ तहरीर को बांग्लादेश इंडोनेशिया इवन ताइवान ने बैन कर रखा है आई I मीन mean, कोई खास ही ग्रुप होगा कि ऑल द वे यहाँ पर ताइवान को भी खतरा लग रहा है और उन लोगों ने भी कहा कि नहीं नहीं इस ग्रुप को बैन कर दो इंडिया ने इस ग्रुप को कई दशकों से बैन नहीं किया था और पता नहीं कितने लोगों को ऑनलाइन या वेरियस और तरीके से इस ग्रुप ने रेडिकलाइज कर दिया था फाइनली 2024 में जाकर अब हम देख रहे हैं कि इस ग्रुप को बैन कर दिया गया है अब यहाँ पे आपका अगर एक सवाल यह है कि क्या इसका मतलब यह है कि इंडिया इन द फ्यूचर इसराइल के अगेंस्ट जो कई और ग्रुप्स काम कर रहे हैं इनको भी आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर सकता है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ हिजबुल्ला के बारे में हिजबुल्ला आप लोग जानते हैं लेबनान से ऑपरेट करता है और आज के समय हिजबुल्ला और इसराइल के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट चल रही है ना इंडिया का क्या स्टांस है हिजबुल्ला को लेकर आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे हिजबुल्ला को देखिए दुनिया में कई देश है जो हैं जो आतंकवादी संगठन मानते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देख पाओगे ऑस्ट्रेलिया कनाडा जर्मनी जी सी सी इज़राइल ये सब देश यू के यू एस यहाँ पर हिजबुल्ला का झंडा अगर कोई लहराता है तो उसको जेल भी हो सकती है क्योंकि हिजबुल्ला एक डेजिग्नेटेड आतंकवादी संगठन है इन सब कंट्रीज़ के हिसाब से नाउ इंडिया की अगर हम बात करें क्या इंडिया हिजबुल्ला को एक आतंकवादी संगठन मानता है तो इसका आंसर है नहीं इंडिया रशिया नॉर्थ कोरिया ये सब को कंट्रीज़ हैं जो हिजबुल्ला को इवन चाइना जी हाँ चाइना भी हिजबुल्ला को एक आतंकवादी संगठन नहीं मानता अब इससे भी ज़्यादा सरप्राइज़ की बात आपको मैं ये बताता हूँ इंडिया हिजबुल्ला छोड़िए इंडिया हमास को भी जी हाँ हमास यहाँ पे गाज़ा पट्टी में जो ग्रुप ऑपरेट करता है हमास इंडिया हमास को भी एक आतंकवादी संगठन नहीं मानता अभी इससे पहले अभी जो नए अम्बेसडर आए हैं इसराइल के टू इंडिया इनसे पहले जो इसराइली अम्बेसडर टू इंडिया थे नावर गिलोन ये काफ़ी बार इंडिया से रिक्वेस्ट करते रह गए कि प्लीज़ हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दो इंडिया ने इनकी एक नहीं सुनी हमास हिजबुल्ला दोनों इंडिया के हिसाब से आतंकवादी संगठन नहीं है जबकि इंडिया से आप अगर बाहर जाओगे यूएस ऑस्ट्रेलिया में वहां पे सिचुएशन बहुत अलग है और अगर यहाँ पे आपका सवाल यह है कि इंडिया हिजबुल्ला को एक आतंकवादी संगठन क्यों नहीं मानता बाकी यू वगैरह वेरियस कंट्रीज़ मानती हैं देखिए वो सब देश जेनुनली इसराइल के साथ खड़े हैं दूसरी तरफ आप अगर इंडिया को देखो तो हमारे यहाँ एक कंपल्शन ये है कि ईरान के साथ हमें अच्छे रिलेशन मेंटेन करने हैं ईरान एक बहुत ज़्यादा क्लोज़ कंट्री है इंडिया के इंडिया कुछ ही साल पहले ईरान से कच्चा तेल करता रहा परचेज़ हमारा चाबार पोर्ट डेवलप हो रखा है इन ईरान नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बहुत से हमारे इंटरेस्ट हैं इन ईरान और याद रखिएगा ईरान हिजबुल्ला का एक बहुत ही बड़ा सपोर्टर है जब रिसेंटली नसरुल्ला की डेथ हुई थी जब इसराइल ने नसरुल्ला को मार दिया था उसके बाद जो ईरानियन अम्बेसडर हैं टू इंडिया इन्होंने बार बार न्यूज़ चैनल्स पर जाकर एक लाइन बोली ये मत सोच लेना कि कोई आतंकवादी मरा है हिजबुल्ला इनके हिसाब से जो ईरान के अम्बेसडर हैं ये कह रहे हैं इनके हिसाब से हिजबुल्ला एक पॉलिटिकल पार्टी है इसे आतंकवादी संगठन मत मान लीजिएगा इसराइल इंटरनेशनली हिजबुल्ला को आतंकवादी संगठन बार बार बोलकर ही जस्टिफाई करता है अपने अटैक्स अगेंस्ट हिजबुल्ला और अगेन ये जो सेम स्टांस है ना ये आपको रशिया और चाइना का भी मिलेगा ये दोनों भी हिजबुल्ला को एक पॉलिटिकल पार्टी मानते हैं एक आतंकवादी ग्रुप नहीं मानते तो अगेन देखिए यहाँ पे जियो पोलिटिकल कंपलशन बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं बट मैं यहाँ पर यह कहूँगा कई दशकों के बाद ये जो स्टेप इंडिया ने उठाया है कई दशकों पहले उठा लेना चाहिए था पाकिस्तान ने हमसे पहले यह सब कर लिया बांग्लादेश ने कर लिया अब जाकर इंडिया ने हिजब उ तहरीर को बैन कर दिया है दिस इज अ ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड और होपफुली जो इंडिया की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है इसी के हिसाब से हम आगे बढ़ते रहेंगे और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा हिजब उ तहरीर अब बैन हो गया अब इनका नाम सुनने में नहीं आएगा नहीं अभी देखिए न्यूज़ में ये नाम रहेगा क्योंकि हिजब उ तहरीर के बहुत सारे मेंबर बन चुके हैं बांग्लादेश में जी हाँ बांग्लादेश में हिजब उ तहरीर काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है और रिसेंटली हिजब उ तहरीर के लोगों ने बांग्लादेश की जो इंटरिम सरकार है अंडर मोहम्मद यूनस इनको लिखित रूप में ये कहा है कि प्लीज़ सरकारी बैन हम पर उठा दीजिए इसको रिमूव कर दो नाव इंडिया के बैन लगाने के बाद क्या बांग्लादेश अपना बैन रिवर्स करेगा या नहीं करेगा ये देखना होगा दिस टॉपिक विल रिमेन इन न्यूज कुछ अपडेट आती है तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा और फाइनली यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछूंगा देखिए आज के समय माउंट धलु गाड़ी ये काफी ज्यादा न्यूज में है पांच रशियन क्लाइंबर्स फेमस रशियन क्लाइंबर्स इस माउंटेन को क्लाइंब करने की कोशिश कर रहे थे पाँचों के पाँचों बुरी तरीके से मारे गए जो ये वीडियो है इंटरनेशनल मीडिया एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है बताइए ये माउंटेन किस देश में लोकेटेड है ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन भारत पाकिस्तान नेपाल या फिर चाइना कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी स्टडी आई का जो फास्ट ट्रैक बैच है ये तीन दिन में स्टार्ट होने वाला है जी हाँ ग्यारह तारीख को पहली क्लास है स्टडी आई के फास्ट ट्रैक बैच की और इस बैच का नाम फास्ट ट्रैक पता है क्यों है वेल well, सबसे पहले जाइए कमेंट सेक्शन में यहां पे आपको ये लिंक मिल जाएगा ये है स्टडी आई का फास्ट ट्रैक बैच जिसमें एंश्योर किया जाएगा कि आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी सुबह और शाम दोनों टाइम दिस इज द फास्ट ट्रैक फॉर दो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल आने वाले यूपीएससी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं एंड दे वॉन्ट मैक्सिमम लाइव क्लासेस और ये कोर्स एक बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव प्राइस में भी अवेलेबल है आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है बाय नाउ पर और जो ये प्राइस लिखा है नेवर पे दिस प्राइस सिंपली यहाँ पर कोड डालिए पीरी टेन और प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा बाकी यहाँ पे आप देखोगे और भी बहुत सारे कोड्स अवेलेबल हैं फॉर एग्जांपल ये लाइव या ओनली फॉर टुडे ये कोड्स आप अप्लाई करते हो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा सिंपली यूज अ कोड पीरी टेन एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल याद रखिएगा तीन दिन में इस बैच की पहली क्लास है पूरा सिलेबस फ्रॉम द बिगेनिंग स्टार्ट होगा हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी एवरीथिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगेनिंग तो सही शुरुआत करिए दिस इज योर फास्ट ट्रैक जर्नी टू द यूपीएससी एग्जामिनेशन सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत थैंक यू फॉर लिस्निंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू